कांग्रेस अध्यक्ष कर्नल ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज उठाई थी और इन जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो सर जो कर्नल साहब के साथ में जो धाराएं लगाई उन्हें जेल भेज दिया गया था, जो आज मानहानि के संबंध में जब इन चार जगहों ने भी इस तरीके के लोकतंत्र को बता दिया खतरे के अंदर है, तो क्या इनके खिलाफ भी उसी तरीके की जो धाराएं लगेंगी जो कर्नल साहब के साथ लगी? देखिए एक देश में दो कानून तो नहीं हो सकते। अगर जस्टिस कर्नल को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ धारा लगकर उनको 6 महीने जेल में रखा गया, अगर ये चार जज भी उस दायरे में आते हैं तो एक बड़ी सामान्य बात है कि इन चारों जजों के मामले में भी जो जस्टिस कर्नल के साथ किया गया वो होना चाहिए जो नियम कहता है। और अगर ये चार जजों की बात ठीक है और जस्टिस कर्नल की बात ठीक है तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान में सब चीज़ों का प्रावधान है। तो इसमें लेकिन यह है कि जांच होनी चाहिए, अंतिम चरण तक पहुंचनी चाहिए, दोषी लोगों को बचाने का काम नहीं होना चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर देश को देश की जनता को जब लोकतंत्र खतरे वाली बात आ रही है तो देश की जनता के सामने सच तो अब आना ही चाहिए। सर अगर जांच का आपने मैटर बताया कि जांच होनी चाहिए, इसका लिए एक आयोग बनेगा, सर वो जो आयोग बनेगा जैसे अभी उन्होंने चार जजों ने बताया कि जो मार्किंग अपने लोगों के लिए कर दी जाती है, तो सर वो आयोग भी तो मार्किंग उन्हीं लोगों के लिए करेगा इन लोगों को बरी करने के लिए? नहीं देखिए ये तो अब ये देखना उन लोगों का काम है जो लोग इस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग इस सिस्टम में पदों पर बैठे हुए लोग हैं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि उनकी कार्य पद्धति के बारे में कोई सवाल उठे या वो संदेह के घेरे में आते हैं। उन्हें इस समय भारत राष्ट्र को एक सही संदेश देना चाहिए और इस विषय में निष्पक्ष जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि न्यायपालिका के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का विश्वास इतिहास की भांति भविष्य में बना रहे। सर आपको ये जानकारी है और जानकारी से मैं अवगत करा दूं कि जब चीफ जो अपने कर्नल जस्टिस कर्नल साहब को जब सजा हुई उनमें अहम भूमिका जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दीपक मिश्रा जी उनकी अहम भूमिका थी। देखिए ये तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि जस्टिस कर्नल वाले इश्यू में दीपक मिश्रा साहब का बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल रहा। और अगर ऐसा है जैसा कि मतलब बताया भी जा रहा है और आप भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस विषय में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और अगर दीपक मिश्रा साहब जो इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और उनकी भूमिका उस समय भी शायद उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस थे, और अगर उनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है तो निश्चित रूप से इस विषय में जाँच होनी तो चाहिए।